उधम सिंह नगर में 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर। दिलशाद के बाद शातिर बदमाश कल्लन गिरफ्तार। सराफा लूट कांड में शामिल थे दोनों आरोपी। उत्तराखंड की उधम सिंह नगर पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन में नजर आ रही है। जसपुर में हुए एनकाउंटर के बाद 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने एक और शूट आउट में सराफा लूट कांड में वांछित चल रहे आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया है। साजिद को एलडी भट्ट अस्पताल लाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रुद्रपुर रेफर कर दिया गया है। आरोपी के पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। आपको बता दें कि जसपुर के सूत मिल क्षेत्र में बीते दिन पुलिस के साथ दो बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया था, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। वहीं देर रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दूसरा बदमाश कुंडा थाना क्षेत्र की बेतवाला गाँव के पास अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा है, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी की। इस दौरान अपने आप को पुलिस से घिरा देख दूसरा बदमाश साजिद उर्फ कल्लन ने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोली चलाई तो गोली कल्लन को लग गई, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद पुलिस बदमाश को काशीपुर की एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद साजिद उर्फ कल्लन को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना मिलने पर एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा काशीपुर पहुंचे और घटना के बाबत जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में साजिद उर्फ कल्लन के ऊपर हत्या के प्रयास, डकैती, चोरी, किडनैपिंग के अनेक मुकदमे यूपी में दर्ज हैं। कल एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक व्यक्ति मौके से अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया था। उस अभियुक्त की आज सूचना थी कि वो अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले से ही फील्डिंग लगा रखी थी। रात की चेकिंग के दौरान इसको, ये अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था, इसे रोकने का प्रयास किया या नहीं रुका और इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसे गोली लगी और यह घायल हुआ। अभी इसे अस्पताल ले आया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है और तथ्य सामने आने पर बताया जाएगा। बहरहाल एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जब से जिले की कमान संभाली है, तब से वो अपराधियों की कमर तोड़ने में लगे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।